अस्सलामुअलैकुम। खबर की दुनिया में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद अजमल जान और मैं हूँ उस्मान ओमान। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। हुकूमत ने मुशर्रफ की बीमार वालिदा को पाकिस्तान लाने के लिए तैयारा भेजने की पेशकश कर दी। इलाज की सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। हुकूमती तर्जुमान परवेज रशीद कहते हैं साबिक सदर के मुस्तकबिल का फैसला आजाद अदलिया करेगी। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के लिए कागजात जमा कराने का वक्त रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया। लाहौर में रश, सिंध में इतवार तक कागजात जमा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में वोटिंग के लिए बायोमेट्रिक निजाम का तजुर्बा कल होगा। कराची में खालिद बिन वलीद रोड पर घर पर दस्ती बम से हमला, चौकीदार की बच्ची चांबहक। लियारी गैंग वॉर से ताल्लुक रखने वाले 6 नौजवान अगवा के बाद कत्ल। बेनजीर भुट्टो की 6वीं बरसी, मजार पर जियालों की हाजिरी। लाड़काना में पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, कुछ देर में जलसा होगा। पिंडाल कारकुनों से भर गया। सानहा लियाकत बाग को 6 बरस बीत गए, साबिक वजीर आजम के कत्ल का मुअम्मा हल न हो सका। पार्टी क्यादत कारकुनान को क्या बताएगी, सबको है इंतजार। वजीर आजम नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खात्मे, मईशत की बहाली और तवानाई बहरान पर काबू पाने को तरजीहात करार दे दिया। कहते हैं भारत से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, इमदाद नहीं तिजारत की जरूरत है। लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर 3 दिन खड़े रहने के बाद पीआईए की परवाज बिलाखिर लाहौर पहुंच गई। मुसाफिर नाकिस इंतजाम पर फट पड़े। बच्चों के साथ हमें इन्होंने इतना जलील किया कि इस पीआईए को बंद होना चाहिए या इसकी इंतजामिया को सैक करना चाहिए और हमें अपॉलोजी चाहिए। पोलियो वर्कर्स पर हमलों के बाद खैबर एजेंसी में खासादार फोर्स बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएगी। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में वजीर आजम हाउस के करीब कार बम धमाका, साबिक वजीर खजाना समेत 5 अफराद शांबहक, 50 जख्मी। बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। उसने बयान ही मुनफरिद नहीं, लफ्जों को भी नए मानी अता कर दिए। सुखनवरों का सुखनवर मर गया पर याद आता है। मद्दाह आज मिर्जा साहब का 216वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। और शाहीन आज अबूजहबी के मैदान में श्रीलंकन टाइगर्स पर झपटेंगे। वनडे सीरीज का आखिरी मैच 1 घंटे बाद होगा। दुनिया हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसीलात होंगी इस ब्रेक के बाद। दुनिया न्यूज के साथ रहें।